संकल्प मिथिलामंच न्यूज द्वारा प्रायोजित संकल्प किराना एवं फूड आइटम गुणवत्ता एवं सेवा हमारा उद्देश्य फ्री होम डिलीवरी बस एक कॉल हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपके घर। नमस्कार, मिथिलामंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और बता दें 5 विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो जाने के बाद अब जिला प्रशासन की जिम्मेवारी तीसरे चरण के 5 विधानसभा चुनाव की है। हम बता दें दूसरे मतदान जो हुए हैं वो 58.18% हुए थे चुनाव। अब हम बता दें कि अब जो स्थिति है तीसरे चरण के चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है और अंतिम समीक्षा चल रही है। हमारे साथ सूचना जनसंपर्क उप निदेशक नरेंद्र कुमार गुप्ता जी हैं जो अभी क्या चल रही है तीसरे चरण को लेकर के। जी हाँ, वो पूरी तैयारी कर ली गई है। मैं आपको बता दूँ कि ये तीसरे चरण में दरभंगा के 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव कराया गया, जिसमें आपका 84 हयाघाट, 85 बहादुरपुर, 83 दरभंगा, 86 जाले, 86 केवटी और 87 जाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव कराया जाना है। कुल 2081 मतदान केंद्र हैं और इसके लिए 15% सुरक्षित रहकर 2399 पोलिंग पार्टी बनाए गए हैं। पूरे 5 विधानसभा क्षेत्र में 150 सेक्टर पदाधिकारियों द्वारा तकरीबन 1 महीने से नज़र रखी जा रही है और मॉनिटरिंग की जा रही है। सभी विधानसभा के लिए PCCP का गठन कर लिया गया है। पोलिंग पार्टी को डिस्पैच किया जा रहा है और कल PCCP को EVM के साथ डिस्पैच किया जाएगा। इस बार के चुनाव में खास बात यह है कि सभी PCCP के साथ CAPF यानी अर्धसैनिक बल को भी संलग्न किया गया है। सभी मतदान केंद्र भवन पर अर्धसैनिक बल मौजूद रहेंगे। सभी तरह चौकसी बरती जा रही है। जिले में 30 नाका लगाए गए हैं। स्टैटिक सर्विलांस टीम काम कर रही है, SST काम कर रही है। अवैध आवाजाही पर नज़र रखी जा रही है। आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध भी बॉन्ड डाउन 107 के तहत कार्रवाई की गई है और निष्पक्ष स्वतंत्र और भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराने की पूरी तैयारी है। जिला स्तर पर अंबेडकर सभागार में जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है, जो प्रत्येक विधानसभा के लिए अलग अलग कंट्रोल रूम नंबर बनाए गए हैं। आज समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से भी उन नंबरों को प्रकाशित कराया गया है। हमारे जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM पूरे चुनाव व्यवस्था का अनुसरण और निगरानी कर रहे हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक श्री बाबूराम जो विधि व्यवस्था से संबंधित जितने भी बिंदु हैं उन पर गहरी नज़र रखेंगे और समीक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा अभ्यर्थियों के भी पर भी नज़र रखी जा रही है। उनके गतिविधियों के लिए अभ्यर्थी व्यय एवं अनुसरण पोषण के अंतर्गत FF फ्लाइंग स्क्वाड टीम और स्टैटिक सर्विलांस टीम भी नज़र रखी हुई है और उन तक शांति कराया जाएगा। जिला नियंत्रण कक्ष कार्यरत हो गया है और कल शाम से पूर्णतः कार्यरत रहेगा। पिछले बार जो दूसरे चरण के मतदान हुए थे दरभंगा में, वहाँ मतदान केंद्रों की क्या क्या समस्या रही जिसे इस बार उसे निपटा करके प्रारंभ से ही ठीक किया जाएगा? देखिए, आप जानते हैं कि यह चुनाव COVID-19 के मद्देनज़र कराया जा रहा है और COVID-19 के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा गाइडलाइन भी जारी की गई है, जिसके लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर 3-3 कतार बनाई जा रही है, जिसमें गोलाकार भी बनाया गया है 6-6 फीट पर और एक आशा या NM को इंफ्रारेड थर्मोमीटर के साथ प्रतियुक्त किया जा रहा है। तो जिला नियंत्रण कक्ष से हम लोगों ने मॉनिटरिंग किया था, उसमें कहीं कहीं 1-2 मतदान केंद्र से ऐसी जानकारी मिली थी कि जो आशा NM है वो थोड़े विलम्ब से पहुंची थी 1-2 मतदान केंद्र पर, लेकिन वो 10-15 मिनट के अंदर पहुँच गई। कहीं कहीं जो मॉक पोल किया जाता है तो उस दौरान जो मतदान कर्मी होते हैं उसमें आप जानते हैं कि EVM में टीम पार्ट रहता है, बैलेट यूनिट जिसको BU कहते हैं,
एक कंट्रोल यूनिट रहता है, वहीं से प्रेजाइडिंग जो है मत देते हैं, और एक वीवीपैट मशीन लगाया गया है जिसमें आप किसको मत दे रहे हैं उसको आप देख सकते हैं। तो कभी कभी कनेक्शनिंग करने में वो त्रुटि हो जाती है, इसके लिए नियंत्रण कक्ष में इंजीनियर भी रहते हैं, और प्रत्येक सेक्टर को एक जो है सेट ईवीएम सेट एक्स्ट्रा दिया रहता है कि वो कहीं उनके क्षेत्र में 8-10 मतदान केंद्र रहते हैं, कहीं भी कोई समस्या है तो जा करके, और यदि कोई पार्ट नहीं काम कर रहा है तो उसको बदल दें। मॉक पोल के दौरान कोई एक पार्ट में खराबी आती है, यदि वीयू खराब होगा तो केवल वीयू बदलेगा, सीयू खराब होगा तो सीयू बदलेगा, लेकिन जब वास्तविक पोलिंग प्रारंभ हो जाती है उसके बाद यदि वीयू या सीयू खराब होता है तो दोनों पार्ट बदल दिया जाता है, वीवीपैट भी बदल दिया जाता है, तीनों पार्ट बदला जाता है। केवल वीवीपैट में अगर खराबी आती है तो केवल वीवीपैट बदला जाता है। तो उसके अतिरिक्त एक क्यूआरटी टीम भी बनाई गई है, क्विक रिस्पॉन्स टीम कहते हैं, वो भी जा करके मदद करती है। तो इस बार के चुनाव में यह खास बात रही कि बहुत कम मतदान केंद्रों से ऐसी शिकायत मिली कि जो ईवीएम है उसमें कहीं 10 मिनट के अंदर शॉर्ट आउट कर लिया गया, जो कि पहले के चुनाव में बहुत बड़ी समस्या रहती थी। तो इसके लिए भी प्रशासन के स्तर पर पूरी तैयारी कर ली गई है, कहीं भी अगर ईवीएम में कोई खराबी आती है तो तुरंत कंट्रोल रूम से में भी अगर वो संपर्क करते हैं तो यहाँ भी इंजीनियर रहते हैं, ब्लॉक में भी रहते हैं, सेक्टर में भी रहते हैं, और क्यूआरटी भी बनाया गया है, तो कहीं से भी उनको मदद पहुँच जाती है और तो कोई समस्या नहीं आती। कोई कोई थोड़ी थोड़ी जानकारी के अभाव में भी कुछ बातें वो पूछते हैं पोलिंग पार्टी वगैरह, जैसे कि 15 मिनट मॉक पोल जो है वो शुरू हो जाता है आपको 5:30 बजे से समय उसका शुरू हो जाता है मॉक पोल करने का, वो 15 मिनट तक पोलिंग एजेंट का इंतज़ार किया जाता है। अगर पोलिंग एजेंट एक भी नहीं पहुंचते हैं तो जो प्रिजाइडिंग अफसर होते हैं वो अपने डायरी में लिख कर और पोलिंग शुरू करा सकते हैं। वो कहीं कहीं से पूछते हैं कि कोई भी पोलिंग एजेंट नहीं आया तो हम क्या करें, तो उनको 15 मिनट का इंतज़ार करना है, 15 मिनट के बाद वो प्रारंभ कर सकते हैं। तो ये सब समस्याएं आती है। एक मतदान केंद्र से यदि समस्या है कि कोई वोटर चला गया और उसके जो निर्वाचक सूची थी उसमें पीवी लिखा हुआ था, तो आप जानते हैं कि पोस्टल बैलेट के द्वारा मतदान कराया गया था, और जो एक बार स्वीकार कर लेते हैं कि हम पोस्टल बैलेट से मतदान करेंगे उसके बाद वो मतदान केंद्र पर जाके मतदान नहीं कर सकते, तो इस तरह की भी समस्या आई थी, लेकिन इक्का दुक्का समस्या आई थी। वैसे कुछ अभ्यर्थी गण भी कुछ शिकायत करते रहते हैं, लेकिन वो जब उसको वेरीफाई किया गया तो वो शिकायत नहीं पाई गई, तो ये सब समस्याएं आती है। तो हम बता दें इस बार जो कितने से कितने बजे तक हो गई चुनाव, हम बता दें कि इस बार जो तीसरे चरण अंतिम चरण के साथ इस बार चुनाव जो है, क्योंकि सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र इस बार क्लियर हैं, इसलिए पूर्वाहन 7 बजे से अपराहन 6 बजे तक मतदान कराया जाएगा सभी 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र। लगातार आपको कह रही है कि सतर्क रहिए, जागते रहिए, जागरूक रहिए, अगर कोई आपके क्षेत्र में वोट खरीदने की बात करता है, वोट बेचने की बात करता तो सूचना दें, क्योंकि आज के समय में आप सब ईमानदारी से कार्य करें। देखिए मिथिला मास ट्वीट पर, क्योंकि चुनाव के दिन सुबह से ही हम दिखाते हैं हर अपडेट खबर जिसका आपको रहता है इंतजार। धन्यवाद।